فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله كي سلطا بقدم شان جي انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت بن ادبار قرآن و حدیث کا عقیدہ اپنے شعر سے عطا فرما رہے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان گئے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی سر سے لے کر پیر شان ہے رب ذل جلال کی قدرت کا مظہر ہے مصطفیٰ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں مصطفیٰ چل رہے ہیں رب ذل جلال کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے سر سے لے کر پیر تک ہر روز اللہ کی شان ہے بال مبارک ہو شان رب ہوٹ مبارک ہو شان رب ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی فعل زندگی کا کوئی لمحہ کوئی عمل سارا اللہ کی شان کا مظہر ہے اللہ کی شان کا اظہار ہے رب کو رب کے نور کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے کیا کرو اسی لیے فرمایا من رآنی فقط رآ الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھے اور اسی بات کو اعلی حضرت یوں بیان کرتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان
इंसान समझते हैं ना, नबी के जैसा कोई इंसान है ही नहीं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुस्तफा को समझ सकता वही है जो इंसान हो, नबी की आजमत को वही समझेगा जो इंसान हो, जिसकी गिनती कुत्तों में आती हो, बल्कि लफ्ज कुत्ता भी उसके लिए बेहतर नहीं है, चाहे फिर वो रामगिरी हो कि चाहे फिर कोई और हो। नबी के जैसा कोई है ही नहीं पूरी कायनात में, पूरी इंसानियत में, पूरी मखलूकात में, पूरे आलम में सबसे अजीम कोई जात है तो मुस्तफा की जात। हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान हैं वो मेरे मुस्तफा के बाद हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अजीम इंसान है, उन जैसा कोई इंसान नहीं, उन जैसा कोई लीडर नहीं, उन जैसा कोई आका नहीं। वो हर महाज पर, हर महाज पर सबसे बेहतर है। अल्लाह ने जिन्हें हर बेहतर चीज अता फरमाई, बेहतर बनाया, वो मुस्तफा है। कौन है वो? वो मुस्तफा है। वो अहसन मिनका लम तरक्तु आईनी वो अजमल मिनका लम तलिद निसा। हजरत हसन साहब फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन और जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिद निसा, और देखता कैसे, किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने आपको हर हर ऐब से, हर कमी से पाक, मुबर्रअ वो मुनज्जा पैदा फरमाया। इसीलिए कहा वो कमाल उसने हुजूर गए गुमान नक्स जगा नहीं, यही फूल खाद से दूर गए, यही शम है के धुआ नहीं। नबी की जात ऐसी जात है कि वहां पर ख्याल वह गुमान भी नहीं पहुंच सकता, नुक्स के तालु से, कमी के तालु से। इंसान नहीं इंसान, इंसान ही यही बोले सुदरावा, चमने जहां के खाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। और सरकार का जो शरिया फरमाते हैं, मुस्तफाए दाते यज्ञ आप है, यज्ञ ने जिसको वो रब बनाने वाला एक और मुस्तफा बनने वाले एक। पूरी कायनात में रब दूसरा नहीं और पूरी कायनात में रब का महबूब दूसरा नहीं। सुभान अल्लाह। इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामईन हाजरीन, जिनकी अजमत के लिए, जिनकी शान के इजहार के लिए हम और आप बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पूरी कायनात में सबसे बुलंद, सबसे बरदरो बाला बनाया, सबसे बुलंद। हमारी थोड़ी तबीयत अलील है, इसलिए एक बार दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم। देखिए तकदीर सुनना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। नाथ पानी जो है
वो खून को फौरन गर्मा कर देते हैं। और ऐसा हुनर हमारे पास नहीं है जैसे हजरत के पास है, जैसे ये शायर अहले सुन्नत के पास है। अपन तो गुनहगार आदमी हैं, छोटे मोटे आदमी हैं। आप लोगों की मोहब्बत है ना, आने की हालत नहीं थी, मगर ये हमारी आशा गजवी साहब को सारे लोग बोलते थे। ये जो कमेटी के जिम्मेदार हैं उनको लोग बोलते थे कि यार आए नहीं, टिकट बना दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अपनी इतनी कोई मजाल नहीं है। इसलिए जो है तबीयत अली रहने के बावजूद भी मैं अल्लाह के फजल करम से पहुंचा। अभी आपके दवाखाने में जो है सलाइन लगा के जो है आया, मगर अल्लाह का एहसान है कि नबी की जब बात होगी तो इंशाअल्लाह पूरे जज्बे के साथ आती है कि नहीं। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, और ताकत से बोलिए। भगतपुर के भगतपुर टांगी के सुन्नी गैपुर मुसलमान माशाल्लाह नात भी अच्छे से सुनते हैं और तकरीर भी अच्छे से सुनते हैं, है ना। तो थोड़ी गाड़ी बातें हो सकती हैं, आपको समझना होगा इंशाल्लाह। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप ज्यादा हो गया तो आप इशारा कर देना, है ना। फिर इंशाल्लाह महफिल को गरमाने वाली एक जात और हमारे और आपके माँ बहन दिल बगर है, है ना। पिछले साल के तालाब से सुन के बड़ी खुशी हुई, हालांकि मैंने पिछले साल ज्यादा बयान नहीं किया था। पांच लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा किया था, उसमें माशाल्लाह हमारे बाबर भाई भी थे। बाबर भाई इस साल पिछले साल वो लेने के लिए आए थे, इस साल भी आए, मगर दाढ़ी रखने की वजह से मैं पहचान नहीं पाया। बताइए, बड़ी खुशी हुई कि पांच लोगों में से चार लोगों ने दाढ़ी रखी सुन्नत के एतबार से। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और ये जिन जो लोग इस महफिल को सजाने की कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को जब तक वो दाढ़ी रखते रहेंगे तब तक सवाब जारी अता फरमाता रहेगा। अब यही काम है हमारा कि सरकार की सुन्नतों को आम करें और सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का इजहार करें। मैं कुछ समझने वाली बात बताता हूँ, सुनेंगे ना, जरा हाथ उठा के बताइए। दौरे हमारे और आपके सरकार के कानपुर से लोगों ने माजल्ला सासुल्ला अंगुष्ठ नुमाइयां शुरू कर दी। सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के तालाब से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, गुस्ताखी बेअदबी और तोहीन कर रहे माजल्ला सासुल्ला। जबकि आप यकीन माने पूरी कायनात और पूरी दुनिया में नबी के जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने हमें वो आका दिया कि उनके जैसा कोई आका नहीं। अल्लाह ने तमाम खूबियों का जामे मुस्तफा को बनाया है। हमारी और आपकी कमी है, हमारी और आपकी कमी है कि हम नबी के शान का इजहार उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तवज्जो है आप, समझ रहे हैं आप। तो आप भगतपुर टांगी में रहते हैं, यहाँ पर इंडियन ब्रदर्स हैं। अरे गैर मुस्लिम हमारे मुल्की भाई हैं, हैं कि नहीं है। तो उनको आपने सरकार अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तालाब से क्या बताया, बताया आप बोलिए। जब उन्हें आप बताएंगे ही नहीं तो वो तो माजल्ला सल्लल्लाहु नबी की शान का बोला है कि नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम और आप अपने किरदार, अपने फेल, अपने कौल, अपने अमल से शान मुस्तफा का इजहार करें, नबी की शान का इजहार करें। अब
बड़ी बात यह है कि नबी की शान हमारे लोगों को नहीं पता पूरी तरीके से, हमारे लोगों को नहीं पता। तो जब हमारे लोगों को नहीं पता और ताल्लुक बिल मुस्तफा कहीं ना कहीं कमजोर, गुलामी का रिश्ता, निस्बत का रिश्ता कहीं ना कहीं कमजोर, जिसकी वजह से ये हालात है। वरना रामगिरी को अगर कोई बचपन में आशिक रसूल मिल जाता तो फिर उसकी कोई जरूरत और जसारत नहीं होती कि जिंदगी में वो कभी नबी के शान के बारे में कोई बकवास करे। असल में हम अपने नबी की शान का इजहार कर ही नहीं पा रहे, तालीमात मुस्तफा का इजहार कर ही नहीं पा रहे, मगर सहाबा का जो मामला था वो मामला ऐसा था कि खुदा की कसम अगर कोई उन्हें देखता तो उन्हें देखकर ये कहता कि ये जिसके फॉलोवर हैं, खुदा की कसम वो तमाम दुनिया के सबसे अजीम इंसान था। वो अपने कौल, अपने फेल, अपने अमल से नबी के शान को इस तरीके से बताते थे कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाती कि नबी के जैसा कोई नहीं। उरवा बिन मसूद सक्फी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल सुन रहे हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस मौजू पर तो मैं अभी आया ही नहीं, मैं सिर्फ आपको हालात हाजरा के तवार से बता रहा हूं। उरवा बिन मसूद सक्फी उस वक्त गैरों में शुमार था, सन 6 हिजरी सुलह हुदैबिया में। सुलह हुदैबिया समझते हैं? अरे नहीं समझते। मदीने मक्कतुल मुकर्रमा में सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारु मुशरिकीन ने जब तकलीफें दी, दाएं दी, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हिजरत करके चले जाए। हिजरत करके सरकार कहां गए? बोलो कहां गए? मदीना शरीफ चले गए। हिजरी चालू हो गई, हिजरी वहीं से चालू हुई। तो 6 साल के बाद हर साल सरकार तशरीफ लाते थे तो मक्का वाले जो है डरा धमका के वापस भेज देते थे, हज कर नहीं करेंगे, काबे का तवाफ नहीं करेंगे। मगर जब सन 6 हिजरी वाला मामला आया तो मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, तो सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद बनाकर भेजा हजरत उस्मान बिन नूरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये पैगाम दिया कि ऐ मक्का वालों अब हम वापस नहीं जाएंगे, अगर तुम खैर चाहते हो तो या तो सुलह कर लो या तो फिर तुम्हारा जो है हिसाब किताब दिया जाएगा। अब ये बात हो गई तो वहां पर ठहरे हैं सहाबा और सहाबा के साथ मुस्तफा करीम अलैहि सलाम तस्लीम है। तो कुफार और मुशरिकीन मक्का ने उरवा बिन मसूद को देखने के लिए भेजा, जाओ कासिद बनाकर जासूस बनाकर जाओ और देखो कि ये मुसलमान कितनी तादाद में हैं, ताकि हम भी तो तैयारी में रहे, मामला पेश आ गया तो सारे मक्का के कुफार और मुशरिकीन थर थर कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि इस्लाम तादाद में बढ़ चुका था, तादाद में बढ़ चुका था। अब इधर जो है जासूस बनकर उरवा बिन मसूद आए, कहां है? देखने के लिए सहाबा को और हमारे और आपके नबी को। क्या देखते हैं उरवा बिन मसूद? क्या देखते हैं? देखते हैं कि मुस्तफा करीम अलैहि सलाम को तस्लीम वजू फरमा रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, वजू फरमा रहे हैं। और आलम यह है सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की गुलामी का, अकीदत का, मोहब्बत का, ताज़ीम का, अदब का। आलम यह है कि मुस्तफा करीम अलैहि सलाम का तस्लीम वजू फरमा रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन उस पानी को लेकर अपने चेहरे पर मल रहे हैं।
उस पानी को लेकर कोई पेशानी पर लगा रहा है, उस पानी को यहां तक के अहदीस मुबारक में है कि पूरे वजू के अंदर एक कतरा पानी का सहाबा ने जमीन पर नहीं देखा। सहाबा ने उस शेरे मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होगा, नबी के नबी के गलियों का गर्दे कफे बना दिया। सहाबा गिरने न देते जमीन पर को वजू के पानी का कतरा बना दिया होगा। बताइए कितनी मोहब्बत कर रहे हैं सहाबा सरकार से। अब उर्वा मसूद सख्फी ने देखा, मुश्रिकी ने मक्का और कुफारा ने मक्का के पास गए और जाकर क्या कहते हैं मालूम? तारीखी सेंटेंस, तारीखी जुमले क्या कि देखो मैंने कैसर और किसरा के बादशाह देखे, मैंने रूम के बादशाह देखे, कसम खुदा की मेरे आंखों ने मोहम्मद जैसा बादशाह जमीन पर कभी नहीं देखा। फरमाया सुनो ये शान सिर्फ रब के नबी की हो सकती है, ये शान ये मोहब्बत ये गुलामी सिर्फ रब के महबूब की हो सकती है। रब ने जिसे नबुव्वत और रिसालत अता किया उसी की हो सकती है। कुफार और मुशरिकीन के सामने उर्वा बिन मसूद सख्फी कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर इस्लाम कबूल हो गया। सहाबा की गुलामी देखकर, अकीदत देखकर, मोहब्बत देखकर खुदा की कसम लोग ईमान लाया करते थे, नबी की शान के कायल हो जाया करते थे। आज हमारा आलम यह है कि माद अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह हमसे लोग बेजार हैं। तालीमात हमारे पास खुदा की कसम दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीमात है, दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीमात। अल्लाह ने हमें जो मुस्तफा करीम अलैहि सलाम का तस्लीम अजीम जात का फरमाई खुदा की कसम वैसी जात खसाई शमाई खुसूसियात खूबियां कमाल उरूज जहां पर मुंतहा होता है, जहां दम तोड़ देता है वो जाते मुस्तफा है, वो जाते मुस्तफा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो कमाल अता किए, वो उरूज अता किया कि खुदा की कसम वैसा उरूज किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। फरमाया वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वो दानाए खत्मुर रुसुल, वो मौलाए कुल जिसने गुब्बारे राह को बख्शा फरोरे वादी से। नबी अव्वल है, बोलो नबी कौन है? अव्वल है, नबी ही आखिर है, नबी ही जाहिर है, नबी ही बातिन है। अल्लाह ताला अपने महबूब की खुसूसियात कुरान में कैसे बयान फरमा रहा है? भगतपुर टांगी के मुसलमानों भाई भाई कमेटी के नौजवानों क्या समझे, समझ में आई? मैंने कहा यासीन रज़वी अव्वल हैं, तो आपने कहा ठीक है अव्वल हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं यासीन रज़वी आखिर हैं, ये कैसे मुमकिन है बताइए? एक जात या तो अव्वल हो सकती है या तो आखिर हो सकती है, मगर अव्वल भी हो और आखिर भी हो ये कैसे मुमकिन है? जहां नामुमकिन दम तोड़ दे वो ज़ाते मुस्तफा है, वो ज़ाते मुस्तफा है। अल्लाह ने अपने महबूब को
ऐसे खुसूसियात का जामे बनाया, ऐसे खासात का जामे बनाया, ऐसी तबारक व तआला ने अपने महबूब को शान अता फरमाई कि जहां पर कुदरत भी हैरान और सिस्टर है, बंदे की अकल भी हैरान है। कुरान और हदीस से समझे कि नबी अव्वल कैसे, नबी आखिर कैसे, अव्वल कैसे, बोलिए नबी अव्वल कैसे, और अव्वल है तो आखिर कैसे। मुख्तसर अंदाज में बताकर अपनी बात गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। नबी अव्वल है और अव्वल ऐसे है मुस्तफा कि खुदा की कसम रब के बाद अगर कोई है तो मुस्तफा ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से मुराद कुछ लोगों ने रब को लिया है, जबकि रब के लिए अव्वलियत कैसे साबित करेंगे? अव्वलियत कैसे साबित करेंगे? रब के लिए तो यही जुमले कहने पड़ेंगे, रब हमेशा से, रब हमेशा रहेगा। समझे? सरकार सैयदी आला हजरत ने यहां से मुराद जात मुस्तफा को लिया, और कैसे लिया? ऐसे कि पूरी दुनिया बनने बनाने से पहले कुछ भी नहीं था, आसमान और जमीन, चांद और सूरज, सितारे, अफलाक के साए, जमीन के बिछौने, कुछ भी नहीं, अर्श कुर्सी लोह कलम कुछ भी नहीं, जन्नत और दोजख और मखलूक कुछ भी नहीं, ना वक्त था ना कुछ भी नहीं, क्या था? रब का नूर था, रब ही था, रब के अलावा कुछ ना था। और फिर रब को अपने नूर के दीदार का शौक हुआ, रब को अपने नूर के दीदार का शौक हुआ, तो अपने नूर को रब ने देखने के लिए अपने शान के मुताबिक जुदा किया। ऐसा जुदा कि जो जुदा ना हो सका, उसके लिए अल्फाज भी नहीं। और उस नूर को देखा रब ने तो खुद की तस्बीह और तहलील बयान की, और उस नूर को नाम दिया नूरे मोहम्मदी का। इस तरीके से मेरे मुस्तफा अव्वल है, अव्वल इस तरीके से है कि हजरत सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह के मुस्तफा में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़दार हुए, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अब देखो ये अकीदा हजरत जाबिर का पूछा उसी से जाता है जिसके जात के ताल्लुक से ये पता हो कि इसे इल्म है। आलमे मां काना वा मा यकून का इल्म मुस्तफा रखते हैं, ये सहाबा का अकीदा था। इसीलिए कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छिपा तुम पे करोड़ों दर्द। मुस्तफा करीम अलैहि सलाम व तस्लीम के ताल्लुक से जुमला सहाबा का अकीदा था कि जो हो चुका और जो होगा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। इसीलिए कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? फरमाया अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी। सरकार फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, ऐ जाबिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। पारा नंबर 37 है, सूरतुन नजम है। वन नजमी इदा हवा, वन नजमी इदा हवा। सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अहले बैत तर्जमा कर रहे हैं। नजम से मुराद एक दरख्त है, और दरख्त कैसा? जिसकी शाख जन्नत है। मुस्तफा नजम है, मुस्तफा नूर का दरख्त है, जिसकी शाख जन्नत है, जिसकी शाख दोजख है, जिसकी शाख नूरी मखलूक है, जिसकी शाख अर्श है, जिसकी शाख कुर्सी है, जिसका जिसकी शाख जन्नत में दरख्त है। पूरी दुनिया मुस्तफा करीम अलैहि सलाम व तस्लीम के जड़ से निकली। इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं,
बताइए नबी मेरे आका के नूर को जब जाहिर किया अल्लाह ने, फिर उसी नूर से कायनात बनाई, उसी नूर से जमीन बनाई, उसी नूर से आसमान बनाए, उसी नूर से अर्श कुर्सी बनाए, सब कुछ उसी नूर से। इसीलिए कहा सैयदी सरकार हुजूर आला हजरत ने, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नबी नहीं थे तो कुछ भी नहीं, नबी ना होते तो कुछ भी ना होते। अल्लाह ताला ने अपनी शान को, अपने रबूबियत को जाहिर करने के लिए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तस्लीम की नूर की तखलीक फरमाई। खिलकत नूरे मुहम्मदी अव्वल है, ज़हूर नूरे मुहम्मदी अव्वल है, मुस्तफा अव्वल ऐसे हैं कि खुदा की कसम फरमाते हैं हजरत आदम का खमीर बनाया जा रहा है, कुंतु नबियन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम के पुतले को तैयार किया जा रहा है। अव्वल ऐसे हैं मुस्तफा कि खुदा की कसम उनसे कोई अव्वल नहीं। हजरत आदम फरमाते हैं जब मेरे खमीर के अंदर रूह फूंकी गई और मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने जन्नत का दरवाजा देखा और दरवाजे पर ये नाम जिंदा देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि कुरान गवाही दे रहा है, फतलक्का आदम मिन रब्बिहि कलिमात फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाब रहीम। क्या है माजरा, क्या है मामला लोगों, शान मुस्तफा को समझो। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तस्लीम की शान खुदा की कसम ऐसी है कि वैसी शान किसी की नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लग्ज़िश कर बैठे, पाके हुई हिकमत खुदावंद के तहत जमीन पर आके रोते रहे। कुरान कह रहा है 12 नंबर 1 सफा नंबर 6 और सफा नंबर 6 की आखिरी आयत, फतलक्का आदम मिन रब्बिहि कलिमात, तो हमने इल्का किया आदम के दिल पर। इल्का यानी अल्लाह की जानिब से कुछ कलमात आदम को अता हुए, और वो कलमात क्या थे? हजरत आदम फरमाते हैं वो कलमात नबी का वसीला था, नबी का तसद्दुक था, नबी का तवस्सुत था। 300 साल अनकरीब रोते रहे हजरत आदम, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जह हुई और जब हजरत आदम ने नामे मुस्तफा का वसीला पेश किया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, हाँ मैंने तुझे किसी के सदके बनाया है और मैं तेरी तौबा कबूल करता हूं। फताब अलैहि, तो अल्लाह को उसने तौबा कबूल करने वाला पाया। इन्नहु हुवत तव्वाब रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हजरत आदम की तौबा जिनके तवस्सुत से, जिनके वसीले से सैयदी सरकार हुजूर आदम ही फरमाते हैं, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदीकों मुनकिरो हरगिज खुदा मिलता नहीं। हजरत आदम अव्वल ऐसे हैं मुस्तफा, अव्वल ऐसे हैं मुस्तफा कि खुदा की कसम आपसे पहले कुछ नहीं, आपसे पहले, अरे बोलिए, आपसे पहले कुछ नहीं। मुस्तफा का मुस्तफा अव्वल है, क्या है? अव्वल है, सबसे पहले। ये लोग ये कहते हैं माद अल्लाह 40 साल के बाद नबूवत मिली, अस्तग़फिरुल्लाह। अरे दुनिया के अंदर जिसको सबसे पहले नबूवत अता की वो मेरे मुस्तफा है। बल्कि देखो कुरान का ऐलान, सूरह आले इमरान, आज भगतपुर टांगी की सरजमीन पर हम और आप जमा हैं, और महफिल मिलाद मुस्तफा कर रहे हैं बड़ी शान के साथ। लोग कहते हैं कि मिलाद मनाया गया क्या? मिलाद का सबूत कुरान में है? मिलाद किसने मनाया? जुलूस किसने निकाला? तरह तरह के सवाल और जवाब होते हैं। अव्वलियत यही मुस्तफा की साबित होगी और मिलाद भी साबित होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के इजहार के लिए कायनात बनने से पहले एक महफिल सजाई। सुनो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीथाक़ अन्नबिय्यीन लमा आतैतुकुम
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرن قال أقررنا وأخذتم على ذلك الإصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. अगर पूरा तर्जमा बयान करूंगा तो वक्त लग जाएगा, मुद्दे की नुक्ते की बात बताकर आपके सामने से गुजरता हूँ। नबी अव्वल कैसे कि खुदा की कसम कायनात अभी बनी नहीं, रूहें तैयार हुई, अल्लाह ताला ने अपनी महबूब की शान के इजहार के लिए एक महफिल आसमान की बुलंदियों पर सजाई और किसको जमा किया? भगत टू टांगी के मुसलमानों को नहीं जमा किया रब ने, बल्कि खुदा की कसम जमा होने वाली बात हजरत आदम की है, हजरत नूह की है, हजरत मूसा की है। कमोबेश 1,23,999 खतीब खिताब करने वाला कोई आम नहीं, खिताब करने वाली बात रब की है और शान बयान हो रही है मुस्तफा की, शान बयान हो रही है मुस्तफा की। और बयान भी कैसे, खुदा की कसम अंबिया को जमा करके अल्लाह ताला वादा ले रहा है। वादा आयत अहद कहते हैं, आयत मिसाक कहते हैं। और वादा कैसा, कहा सुनो हे आदम, सुनो नूह, सुनो इब्राहिम, सुनो मूसा, तुम दुनिया में जाओगे, तुम्हारा काम है मेरे मोहम्मद की, मेरे महबूब की आमद के तराने गाते रहे, आमद के चर्चे करते रहना। ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, फिर एक दिन आएगा मैं अपने महबूब को पूरी शान पूरे जहो जलाल के साथ दुनिया में भेजूंगा। बताइए अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर भगतपुर टांगी में अगर 2,000 लोग एक साथ निकलकर कब्रिस्तान में जमा हो तो क्या कहेंगे लोग? जुलूस कहेंगे ना, अरे बोलिए जुलूस कहेंगे ना। मगर 1,00,000 कमोबेश 24,000 लोग अरबाने जमा हो तो बताइए कैसा जुलूस है? बताइए जुलूस तो कुरान से साबित है, पहली खुतबा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक गया तो सर दर्द दे रहा है, नहीं रुका तो यजीदी इतने हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, नारे तकबीर नारे रिसाला, उलमाए हले सुन्ना शोराए हले सुन्ना, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक बार दोषी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिन नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वसलामु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान के लिए आलम अरवाह में से अंबिया की रूहों को मुंतखब किया और कहा लतुमिनुन्ना। हाँ, सरकार के ऊपर ईमान लाने लगाया किसने? अल्लाह ने अपने अंबिया को ईमान लाने के लिए कहा। बताइए हर उम्मत उनकी, हजरत आदम की उम्मत उन पर ईमान लाई, हजरत मूसा की जो उम्मत थी उनका कलमा पढ़ती रही, हजरत ईसा की उम्मत उनका कलमा पढ़ती रही, मगर कभी सोचा कि अंबिया ने किनका कलमा पढ़ा? अंबिया ने किनका कलमा पढ़ा? अंबिया ने। प्यारे हम कितने खुश नसीब हैं कि अंबिया ने जिनका कलमा पढ़ाया, अंबिया ने जिनका कलमा पढ़ा वो हम कलमा पढ़ते हैं। बताइए मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, तबीयत साथ नहीं दे रही है, रुक गया तो जो है सर में एकदम से बहुत तेज तकलीफ, मैं माफी चाहता हूँ।
मगर आप याद रखें कि अव्वल मुस्तफा है और आखिर कैसे हैं कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने सजाया और तमाम अंबिया को भेजा और ऐलान किया मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिक वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबियीन व खातमुन नबियीन अल्लाह ने खातिमुल अंबिया बनाकर मुस्तफा को भेजा आखिर ऐसे हैं मुस्तफा। अब इसमें अव्वल में भी बहुत सारी बातें हैं और अगर आप जाहिर सुनेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा, मगर इंशाल्लाह कल यासीन आपके घर पे मैं जाहिर और बातिन को बयान इंशाल्लाह। अभी हमारे मौजज बाहर से आए हुए मेहमान मेरे लिए दुआ करें कि तबीयत बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह अज़्ज़ाबिल्लाह। मगर एक एक आखिर एक बात और है ना, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोगों ने वादा किया था दाढ़ी का। दाढ़ी सरकार की सुन्नत है, क्या है सरकार की सुन्नत है। मैं अभी बयान करने की हालत में नहीं हूँ, मैं बस इतनी गुजारिश करूँगा कि सरकार के लिए आपने इतनी बड़ी महफिल सजाई, सरकार की शान की इजहार के लिए चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे तो उम्र भर सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो है कोई अभी पूरे लोगों को गवाह करके इन मताहे खैरुल अनाम हजरात को इन उलमा को गवाह करके जो है दाढ़ी रखने का इरादा करता है कोई महफिल के अंदर दाढ़ी रखने वाला पक्का माशाल्लाह खड़े हो जाए। ये अल्लाह का एहसान है कि भाई अल्लाह ने आपको तौफीक दी, कड़ा वगैरह नहीं पहनते क्या है हाथ में। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, नाराज मत होना, कड़ा पहनना नहीं, खड़े रहिए थोड़ी देर, कड़ा पहनना अपनी अपने कौम का महम निकाल दीजिए वो कड़ा, खड़े रहिए थोड़ी देर, खड़े रहिए, नाराज मत होइए भाई। अल्लाह ताला आपके इकबाल को बुलंद फरमाए, आपको दीन दोगुना रात चौगुना तरक्की अता करे। क्या नाम है आपका? फरहान भाई, माशाल्लाह देखो कितनी बड़ी हिम्मत की इन्होंने कि सबके सामने दाढ़ी रखने का इरादा किया माशाल्लाह। सरकार की सुन्नत, अल्लाह ताला इन्हें खूब जज़ा अता फरमाए। अब इनके साथ कोई और है साथी कोई बनेगा? देखो कब्र में जब सरकार तशरीफ लाए तो हमारे दाढ़ी को देखकर कहें कि ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। एक सहाबी रसूल थे है ना, थोड़े ही बाल थे आपके दाढ़ी पर, थोड़े ही 2-3 बाल थे, सरकार उन्हें देखकर मुस्कुराते थे, बताइए उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा खूबसूरत दिखता हूँ, ये दाढ़ी के 2-3 बाल निकाल दूँ, दाढ़ी के 2-3 बाल उन्होंने निकाल दिए, निकाले तो सरकार ने उनसे मुंह फेर लिया। आका ने क्या कर दिया? उनसे मुंह फेर लिया। तो अगर कल कब्र में सरकार आएंगे ना, नबी का दीदार होगा कि नहीं होगा कब्र में? अरे बोलो इंशाल्लाह। जबकि तेरी दीद होगी वही मेरी ईद होगी, मेरी कब्र में तुम आना मदनी मदीने वाले, है ना। तो सरकार आएंगे, अगर दाढ़ी नहीं होगी तो मुमकिन है सरकार वहां मुंह फेर ले, मुमकिन है ना। इसलिए एक मुश्क दाढ़ी रखने का इरादा करें। कोई और है? इस साल सिर्फ एक ही जन दाढ़ी रखेगा, एक ही दाढ़ी रखेगा, और कोई है? बहुत हिम्मत चाहिए दाढ़ी रखने के लिए। नौजवान लड़कों का ये जहन बना हुआ है दाढ़ी रखेंगे तो लड़की नहीं देखेगी। मैं तो कहता हूँ दाढ़ी हमारे किरदार की हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाढ़ी हमारे किरदार की हिफाजत करती है। दाढ़ी को देखकर जो लड़की शादी करेगी वाकई में वो नबी की गुलाम होगी। अरे बताइए सरकार की वो दीवानी होगी, वो आपसे वो दुनियादार लड़की होगी जो दाढ़ी देखकर आपसे भागे। आप सिर्फ दाढ़ी नहीं रख रहे, आप दुनियादार लड़की को भी अपने से दूर कर रहे। बताइए दुनियादार जो है उस लड़की को जो है आप दूर कर रहे, आपको वही लड़की पसंद करेगी जो दीनदार हो, क्योंकि दाढ़ी वाले को दीनदार लड़कियां पसंद करते हैं। चाहते हैं आप कि आपको दीनदार लड़की मिले? अरे बोलो ना, नहीं चाहते।
अरे बोलो ना, नहीं चाहते दीनदार लड़की मिली क्या? कटरीना क्या, ऐश्वर्या राय चाहिए? अरे बोलिए, अरे सड़ी भी है सब सब बेकार है। मुसलमान बच्ची जो अपने अपने सर पर आंचल ओढ़ती है, खुदा की कसम वो लाख गुना दुनिया की हीरोइन से बेहतर है। जिसकी परवरिश नबी की गुलामी में हुई, कुरान पढ़ते हुए जिसकी परवरिश, अल्लाह सुभान अल्लाह, बताइए वो लड़की की शान क्या है? ऐसी लड़की माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अता करे, यासीन भाई को अता करे, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन सुम्मा। वाली साहब उनके फिक्रमंद हैं। तो अच्छी लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए क्या? शादी हो गई सबकी, किसकी किसकी शादी नहीं हुई? हाथ उठाई। अरे बाकी लोग, शादी किसकी किसकी नहीं हुई है, हाथ उठाई। अरे सबकी शादी हो गई तो महफिल में? अरे समझ में नहीं आ रहा, उड़ीसा में भगतपुर टांगी में बहुत कम उम्र में सबकी शादी हो जाती है शायद। अरे भाई आप शर्माइए मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने सरकार की सुन्नत को अभी तक अदा किया कि नहीं किया? जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई वो हाथ उठाएं, नहीं उठाएंगे शर्माना कैसा? दुआ करूंगा ना मैं अल्लाह ताला, अरे अल्लाह ताला मुईन रजा कादरी साहब को नेक और सादे जौजा अता फरमाए। सही बता रहा हूँ मैं, नेक बीवी का मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक बीवी का मिलना, बीवी अगर नेक हो तो ईमान को कामिल बना देती है। सही बता रहा हूँ, बीवी जो है घर की शान होती है, शान। सरकार फरमाते हैं जिसने अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक किया वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है। इसलिए अपनी बीवियों को मत सताओ, अपनी औरतों को मत मारो, महादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जोर मत दिखाओ। तो किसकी किसकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, काय की शर्मा रहे, यासीन भाई उठाइए, माशाल्लाह। तो चाहते हैं आप लोग, आपको नेक बीवी मिले तो दाढ़ी रख के दाढ़ी, हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है भाई। अरे भाई मेरे आप हंस रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं। औलिया, औलिया जो है औलिया, औलिया कामिलीन दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे नेक बीवी अता कर। भाई अजीज गोस्वामी रहमतुल्लाह ताला के जैसा वली कामिल वो दुआ फरमा, हाँ माशाल्लाह, वो बाबर भाई, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। दाढ़ी देखो कितना प्यारा चेहरा दिख रहा है बाबर भाई का, सरकार की सुन्नत से जो है चेहरे पर नूर आ गया है। देखिए चेहरे पर नूर आ गया है। तो कौन रख रहा है दाढ़ी बोलो? एक ही जन हुआ है, फरहान भाई। अरे कोई नहीं रखेगा और, बताइए इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, बताइए। नबी के लिए जान देने की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ दाढ़ी छोड़िए, जान नहीं मांग रहा। अल हजरत फरमाते हैं तेरे नाम पे जहां फिदा ना, बस एक जान दो जहां फिदा है ना, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां नहीं है ना। अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है वो सरकार का सदका है। और जब मुसलमान को नबी के ताल्लुक से बात आ जाए सरकार के ताल्लुक से, तो सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, सब कुछ कुर्बान करना चाहिए। ईमान का तकाजा यही है, ईमान सरकार की सुन्नत से निखरता है, निखरता है। दाढ़ी जो रखता है उसका ईमान निखरता है। कौन रखेगा और कोई है? बताइए कोई नहीं है? बीवी से इजाजत लेने के बाद अब जिनकी शादी हो गई है उनको क्या टेंशन है जी? ठीक है वो नौजवान वो कह रहा है भाई लड़की नहीं मिलेगी, चलो मगर जिनकी शादी हो गई उनका क्या मामला है? बीवी मारती है क्या, दाढ़ी रखती है, जोजा बताइए। कई लोग तो ऐसे हैं जो उम्र को पहुंच गए मगर दाढ़ी नहीं रखती, समझ में नहीं आती, बताइए।
अल्लाह ताला की कितनी अजीम सुन्नत है दाढ़ी, एक बार रख ली जब तक दाढ़ी रहेगी तब तक सवाब उसके नाम आमाल में लिखा जाता रहेगा। सवाब जारिया वाली चीज है दाढ़ी, कम मत समझो इसको। सफर करेंगे ना आप सफर तो पुलिस वाले समझ रहे हैं, दाढ़ी को देखकर कई जगह पर मैंने देखा कि इज्जत कर कर गैर लोग भी इज्जत कर कर। हम लोगों को हमारे शहर में ट्रैफिक वाले जल्दी रोकते नहीं, नहीं रोकते, रोकते हैं क्यों? क्योंकि ये दाढ़ी की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी की इज्जत है। तो कौन कोई रखेगा और ज्यादा जोर नहीं देता मैं।